Hello student, very good morning to you all. Once again I want to welcome you in the virtual online class provided by Chandan Bal Vikas Public School. I am your computer teacher Mrs. Sonia Kalra. और बच्चों आगे जाने से पहले अगला सिलेबस अगले चैप्टर करवाने से पहले अभी हम पिछले चैप्टरों की रिवीजन करेंगे. पिछले चैप्टर्स जो हमारे पास हैं उनकी हम वन बाय वन रिवीजन करेंगे. फॉर टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर वन बैक एक्सरसाइज. सो आप सब इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो की हेल्प से आप रिवीजन भी करेंगे. तो चैप्टर वन में सबसे पहले हम देखेंगे फिलअप्स. फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्टेड ऑफ डैश. जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके अंदर क्या था? मशीन लैंग्वेज. योर आंसर इज मशीन लैंग्वेज. चेक भी हमने कर लिया, मशीन लैंग्वेज है आंसर. सेकेंड है आपके पास इन डैश लैंग्वेज मशीन कोड्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय सिम्बोलिक कोड्स. कौन सी लैंग्वेज में हम सिम्बल्स को यूज़ करते थे? कौन सी लैंग्वेज में हम सिम्बल्स को यूज़ करते थे? असेंबली लैंग्वेज में. कौन सी लैंग्वेज में? असेंबली लैंग्वेज में. थर्ड है डैश लैंग्वेज स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन दैट आर मोर लाइक नेचुरल लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होते थे जो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह नज़र आते हैं? तो इसका आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज. ये देख लीजिए, हाई लेवल लैंग्वेज इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, इसमें फिलअप्स नंबर फोर है. डैश इज मेनली यूज इन माइक्रो कंप्यूटर इन अर्लियर डेज. पिछले दिनों में इसको ज़्यादातर माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किया जाता था. तो इसका आंसर है आपके पास बेसिक. बेसिक लैंग्वेज को माइक्रो कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता था. फिफ्थ है आपके पास डैश लैंग्वेज इज पुअर एट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ये जो लैंग्वेज है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अच्छी साबित नहीं हुई, इसे अच्छा नहीं माना गया. तो ये है आपके पास कोबोल. ठीक है, सिक्स पॉइंट है डैश लैंग्वेज इज स्पेशली यूजफुल इन प्रोसेसिंग न्यूमेरिक डाटा. ये जो लैंग्वेज है न्यूमेरिक डाटा को कैलकुलेट करने के लिए इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. तो आंसर है फोरट्रान. ठीक है, फोरट्रान इसका आंसर है. अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे. फर्स्ट है आपके पास लैंग्वेज आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज है जो भाषा है उसके जरिए हम बातचीत करते हैं. तो ये राइट है, इसलिए ये क्या है? ट्रू. सेकेंड, हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू प्रोग्राम देन लो लेवल लैंग्वेज. ये कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्रामिंग करना इजी है लो लेवल लैंग्वेज से कंपैरिजन. यस राइट है, लो लेवल लैंग्वेज में जीरो और वन होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में नॉर्मल इंग्लिश होती है. तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना इजी होता है. ट्रू. थर्ड, कंप्यूटर लैंग्वेज फोरट्रान इज यूज टू सॉल्व साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम. जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है फोरट्रान, हम इसे यूज़ करते हैं साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. यस ट्रू. ये भी क्या है हमारा? ट्रू है. ये देख लीजिए आंसर, आंसर नंबर थर्ड इज ट्रू. नेक्स्ट हम देखेंगे फोर, सी इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी जो लैंग्वेज है वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नो, सी सिंपल लैंग्वेज होती है और जो सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये क्या है? फॉल्स. फिफ्थ, कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. यस राइट ट्रू. सिक्स, पास्कल इज यूज्ड प्राइमरली इन कंप्यूटर साइंस कोर्स टू टीच साउंड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस. पास्कल लैंग्वेज को हम साउंड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो क्या है आंसर? ट्रू. क्लियर है. नेक्स्ट हम देखेंगे अब एमसीक्यू. एमसीक्यू में फर्स्ट है इन दिस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वाज वेरी स्लो एंड डिफ़िकल्ट इन प्रोसेसिंग. इस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग बहुत स्लो होती थी और इसे प्रोसेस करने में भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती थी. तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज. सेकेंड आपके पास इन दिस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज सिंपलर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग दैन मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. इस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर जो इस लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो सिंपल थी और इसमें कम टाइम लगता था मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन. तो ये आया आपके पास असेंबली लैंग्वेज. थर्ड, दीज लैंग्वेज आर कंप्यूटर इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग बिकम्स क्वाइट ईजी एंड सिंपल. ये जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर पर डिपेंड करती है. ठीक है, कंप्यूटर इंडिपेंडेंट, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये काम करती है लैंग्वेज. मतलब जिस कंप्यूटर पे जो लैंग्वेज काम करती है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है. ये कंप्यूटर मशीन पर डिपेंडेंट है और इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना इजी है और सिंपल है. तो ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज. थर्ड, ठीक है, उसके बाद है फोर्थ, दिस लैंग्वेज वर डिज़ाइन फॉर बिजनेस पर्पस एंड फॉर परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क. बिजनेस से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज जो बिजनेस के लिए है उसका नाम है कोबोल. फिफ्थ है आपके पास, दिस लैंग्वेज
दिस लैंग्वेज वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अमंग साइंटिफिक कम्युनिटी। ये जो लैंग्वेज है ज़्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो लैंग्वेज है वो है आपके पास फोरट्रान। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं कि हम सही हैं। यस, फोरट्रान। उसके बाद है आपके पास सिक्स, दिस लैंग्वेज इज़ ए पावरफुल एंड एफिशियंट लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&T बेल लैब्स इन द अर्ली 1970s। देखो बेटा, इस MCQ के अंदर आपके पास क्वेश्चन भी आ रहा है कि ये जो लैंग्वेज है वो AT&T बेल लैब्स में बनी थी। कहाँ बनी थी? AT&T बेल लैब्स में बनी थी। तो इस लैंग्वेज का नाम है C++। तो ये लैंग्वेज पावरफुल है और एफिशियंट लैंग्वेज है। पॉइंट नंबर 7, दे आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। इनकी ज़रूरत होती है कि इंस्ट्रक्शनों को मशीन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकें। कंपाइलर ये भी कन्वर्जन का काम करते हैं, असेंबलर ये भी कन्वर्जन का काम करते हैं, इंटरप्रेटर कन्वर्जन का काम नहीं करते, ये चेकिंग का काम करते। तो आंसर है बोथ ए एंड बी। तो योर आंसर इज बोथ ए एंड बी। ओके, तो ये आपकी MCQ आज फिनिश हो गई। तो इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज की रिविजन हो गई। ओके बेटा।